गरिमा में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं कुसुम। सात सुरों की मधुरिमा का असर कुछ ऐसा है कि जिंदगी और कुदरत के तमाम रूप रस रंग इन्हीं सात सुरों की आगोश में सिमट आते हैं, और जब कोई सुर संगीत हमारे दिल की धड़कनों से खेलने लग जाता है तो बन जाता है एक नया सुरीला राग।
यकीनन सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साथ ही सुंदर है ये राग जिसमें इस गीत की रचना हुई है। ये राग है दरबारी। इसका नाम दरबार अर्थात शाही अदालत है, जो फारसी से लिया गया है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रचलित राग है और इसकी मधुरता के कारण इसे रागों में सम्राट और राज दरबार में राजाओं द्वारा सुने जाने की वजह से इसे सम्राटों के राग के रूप में जाना जाता है। ये राग धीमा, गंभीर और मीठा होता है, जो मन को मोह लेता है। ये एक वो भी समय था जब ये राग राज दरबारों की शान हुआ करता था और इसकी लय पर झनक झनक पायलियां बाजा करती थी। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखिया 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 चंचल अखिया अखिया, ये कजरारी चंचल अखिया, होठ गुलाबी फूल की पत्तियां,
लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। पदनी तरे का मारे सदनी पर इंद्रधनुष का लोच कमरिया, वृंदावन की जैसे गुजरिया, भाव निरत से कर दे जा तू, भाव निरत से कर दे जा तू, आग में आग लगाए पायले, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तो जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक 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 तोरे बाजे पायलिया। कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथकारों ने जो भाव भट्ट के अलावा किसी भी शास्त्रकार ने राग दरबारी काढ़ना का जिक्र नहीं किया। भाव भट्ट मुगल सम्राट शहजहां के समकालीन थे। संस्कृत ग्रंथों में कर्नाट राग का उल्लेख मिलता है और ऐसा माना जाता है कि कर्नाट शब्द ही बिगड़कर काढ़ना हो गया और जब तानसेन ने सम्राट अकबर के सामने कर्नाट राग को नए तरीके से गाया और फिर ये राग खूब पसंद किया गया जिसे सम्राट के दरबार में बार बार गाया और सुना जाने लगा, तो ये राग दरबारी काढ़ना हो गया और फिर ऐसा माना जाने लगा कि राग की रचना, जो ये राग है दरबारी, इसकी रचना संगीत सम्राट तानसेन ने की थी। अगर हम बात राग दरबारी के शास्त्रीय पक्ष की करें तो ये राग असावरी थाट से उत्पन्न हुआ है और इसे मध्य रात्रि में गाया और बजाया जाता है। इसमें ग, ध और नी कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। कहते हैं इसे गाने से आवाज में हरकत और रेंज बढ़ती है। आमतौर पर रात में हमारी आवाज खुली होती है, इस वजह से इस राग को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसे रात में गाया और बजाया जाए। प्राचीन काल में ये राग संगीतकार बड़े ही भाव से राज दरबारों में राजाओं के सामने प्रस्तुत कर उनका मनोरंजन किया करते थे। इस राग को गाते समय समय का एहसास नहीं होता और सुनने वाला इसके भाव में डूबता चला जाता है।
राग दरबारी की बहुत सारी खासियत में वो हनुमान चालीसा भी है जो हमने बार बार सुना है, कितनी ही बार डर वाली जगहों पर गाया भी है ना। उसे हरिहरन ने राग दरबारी में कंपोज किया है। इसके अलावा राग दरबारी के नाम से हिंदी के मशहूर साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास भी है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी सम्मान से नवाजा गया। और हाँ, वो सुपरहिट कवाली दमादम मस्त कलंदर वो कव्वाली राग दरबारी में नहीं है। दरअसल इस कव्वाली को गाने वाले कलाकार जानी बाबू को हिंदी फिल्मों में सिर्फ एक गीत में संगीत देने के लिए याद किया जाता है जो कि राग दरबारी में है, और वो गीत है फिल्म नूर महल से। ये रहा वो गीत। थोड़ी देर
Place to be. As the 19th Asian Games being held in China, India field 634 athletes at these games across 38 different sports. Akashvani will bring you a lot of action, reactions, highlights and updates throughout the 15-day continental event. The best of sports and sports stars only on Akashvani. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मधुरिमा में आप सुन रहे हैं राग दरबारी के गाने। कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश खिदमत।
तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गली। इसी गीत के साथ ही मधुरिमा यहीं तक